अपना शहर, अपनी बातें। अपना शहर, अपनी बातें। सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका। मंत्री मोजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चक पटा पटाका, पटा पटाका, पटा पटाका। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज पूरा शहर। News, views, and interviews, fresh and hot, without excuse, without excuse, without excuse. So tune in, keep watching, पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें। सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बात। अंबरनाथ वेस्ट के भवानी ज्वेलर में अज्ञात लुटेरों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। आइए इस घटना के बारे में लेते अधिक जानकारी उल्लासनगर जोन 4 के डीसीपी प्रशांत मोहिते से। अंबरनाथ में स्थित भवानी ज्वेलर्स की दुकान में डकैती के इरादे से आए बदमाशों ने फायरिंग की। हथियार से लैस डकैतों के गोली और चाकू से दुकान में 3 लोग जख्मी हो गए। जानकारी के अनुसार रविवार की दोपहर करीबन 1 बजे 2 मोटरसाइकिल पर सवार आए 4 हमलावरों ने पहले दुकान में मौजूद कामगारों को चाकू दिखाया और धमकी दी। इस बीच हुई कहासुनी के दौरान हमलावरों ने पास में रखे बंदूक जैसे हथियार से 6 राउंड फायर किए। इससे पहले ही हमलावरों ने दुकान में काम करने वाले लक्ष्मण दसाना व चरण दसाना को चाकू मारकर जख्मी कर दिया था और फिर दुकान के मालिक भीषण सिंह दसाना की ओर फायरिंग की, जिसमें भीषण सिंह दसाना के पैर में गोली लग गई। बावजूद वो विरोध करते रहे, जिस कारण हमलावर दुकान में ही हथियार फेंक कर भागने में कामयाब हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दुकान में से 3 घायलों को इलाज के लिए उल्लासनगर सेंट्रल अस्पताल भेज दिया और अंबरनाथ पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज माध्यम से हमलावरों को तलाश करने में जुट गई है। आज दुपारी 1:30 सुमारास 4 आरोपींनी अंबरनाथ येथील भवानी ज्वेलर्स येथे प्रवेश केला आतमध्ये दुकानामध्ये। त्यानंतर त्यांच्याकडे असलेलं रिव्हॉल्वर पिस्टलचा धाक दाखवून दुकान लुटण्यास सुरुवात केली। त्यावेळी दुकानाचे मालक आणि त्यांचे भाऊ बाहेरून आले। त्यांनी या आरोपींना विरोध केला, त्यांच्यामध्ये झटापट झाली। त्यामध्ये दुकानाचे मालक, त्यांचे भाऊ आणि काम करणारे नोकर हे जखमी झाले। आता प्राथमिक माहिती जी मिळालेली आहे त्यानुसार 20 ते 25 तोळ या आरोपींनी लुटलेलं आहे आणि ते इथून फरार झालेले आहेत मोटरसायकलवर। या गुन्ह्याचा छडा लावण्यासाठी आम्ही तात्काळ नाकाबंदी लावलेली होती। त्यानंतर आमच्या स्थानिक पोलिसांच्या 5 टीम्स तयार करण्यात आलेल्या आहेत। तपास सखोल पद्धतीने चालू आहे। गुन्हे शाखासुद्धा समांतर तपास करत आहे। यामधले सर्व जखमी हे सध्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत आहेत आणि ते आउट ऑफ डेंजर आहेत। साथ ही साथ इस घटना में घायल हुए लोगों के बारे में भी हमने बातचीत की है उल्लासनगर 3 के सेंट्रल हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुधाकर शिंदे से। सेंट्रल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुधाकर शिंदे ने बताया कि लक्ष्मण दसाना और चरण दसाना को चाकू मारा गया है और उनकी हालत अभी ठीक है। भीषण दसाना के पैर में गोली लगने के कारण तत्काल ऑपरेशन किया गया। थोड़ा वेळा पूर्वी 3 रुग्ण अंबरनाथ मधून ट्रांसफर करण्यात आले। त्यापैकी जो एक भीषण सिंग दुसाना वय वर्ष 24 राहणार अंबरनाथ, याला बंदुकीची गोळी लागलेली आहे त्याच्या डाव्या गुडघ्याला आणि उजव्या साईडच्या बॅक साईडला, राईट लंबार रिजनला। त्याला आम्ही दवाउपचार करून ॲडमिट केलेले आहे अपघात विभागामध्ये। सर्जन येऊन त्याची पाहणी करतील आणि अत्यावश्यक असेल तर त्यांना आम्ही शिफ्ट करू हायर सेंटरला। त्यानंतर चरणसिंग दुसाना दुसरा एक पेशंट आहे आणि लक्ष्मण सिंग दुसाना एक पेशंट, असे 2 पेशंटना चाकूने वार लागलेले आहेत, वार झालेले आहेत आणि त्या दोघांनाही अपघात विभागामध्ये दाखल करण्यात आहे। त्यांची कंडिशन ठीक आहे, परंतु ज्यांना बंदुकीची इंजुरी झालेली आहे त्यांना ऑपरेशनची गरज आहे असं प्रथमदर्शनी तर वाटतंय। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बात।
हमारे शहर के सिटी सर्वे कार्यालय तथा तहसीलदार कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भूख हड़ताल किया गया। आइए जानते हैं किस विषय को लेकर ये अनशन शुरू किया गया। देखिए कुणाल जी, हमने अमरनाथ अनशन किया है सिटी सर्वे कार्यालय के सामने। इनको हमने 16 मांगे रखी थी। हम एक महीने से ये लोग से 16 मांगे करते आ रहे हैं। अभी 8-10 पे इनका विचार वमोस चालू था, वो हमने उनका वो नकार दिया है। 16 की 16 पॉइंट जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक अनशन हमारा जारी रहेगा। और दलाल मुक्त ऑफिस चाहिए, टाइम टू टाइम खुलनी चाहिए, टाइम टू टाइम इनवर्ट आउटवर्ट नंबर डालना चाहिए। जो पहले काम देगा उसका पहले काम होना चाहिए और काम की समय सीमा तय होने चाहिए। इसके लिए हमने अमरनाथ अनशन किया है। बहुत सारे समाजसेवी संस्था वाले लोग हमारे पास आए हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग बात करते हैं, मतलब नहीं उनको आने दो। और हमारे पास वो लोग आए थे, अभी उन विषय पे बातचीत चर्चा अंदर चालू है। ये हमारी जब तक पूरी मांगे पूरी नहीं होगी, पूरे शहर को जब तक सहयोग नहीं देंगे ये लोग, खाली हमारा मुद्दा नहीं है, कुलदीप का नहीं है, किशोर का नहीं है, ये पूरे शहर हित के लिए मुद्दा हमने उठाया है। मुलाकात हुई है, वो पोजीशन पे बैठे हैं, किसी अधिकारी ने आके मुलाकात या कुछ मुलाकात की? हम लोग 11 बजे बैठे तो वो लोग 11:30 बजे आए थे। उन्होंने वो लेटर वगैरह लेके आए थे कि ये मांगे आपकी हमने वेरीफाई कर दी है, ये हम करेंगे, लेकिन उसमें कुछ मांगे कम थी तो फिर से वो लेटर वगैरह बनाने में लगे पड़े हैं। और हम उनका वेट तो हम अनशन पे बैठे हैं, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम अनशन नहीं छोड़ेंगे। आज हम जो ये हमारे अनशन पे बैठे हैं तो हम अपने लिए नहीं, पूरे उल्लासनगर शहर हित के लिए बैठे हैं। 14 स्क्वायर किलोमीटर में हमारा उल्लासनगर शहर है। ये पूरा पंजीकरण होना चाहिए, कंप्यूटराइज ऑनलाइन सर्विस होनी चाहिए, जैसे बाजू के शहरों में है, कल्याण, अमरनाथ, बदलापुर में। और हमारी कुछ मांगे हैं कि भ्रष्टाचार हटाया जाए यहाँ से, दलाल मुक्त ऑफिस चाहिए, ऑफिसरों का टाइम नियुक्ति होनी चाहिए, सवेरे कितने बजे मिलेंगे, शाम को कितने बजे मिलेंगे। और जो मोजनी TLR का प्रकरण है जिसकी वजह से आज सारा उल्लासनगर भुगत रहा है, उसकी माप सही हो, जिम्मेदार ऑफिसरों को वो मोजनी करने के लिए भेजा जाए, ये हमारी मांगे हैं। जब तक ये हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी हम यहाँ अनशन पे बैठेंगे, दिन हो रात हो महीना हो, हम अनशन जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं करेंगे हम अनशन से उठने वाले नहीं हैं। भूख हड़ताल तथा भ्रष्टाचारों के विषय में क्या है कहना सिटी सर्वे कार्यालय के अधिकारी राठौड़ जी का, आइए सुनते हैं। जी राठौड़ सर, जिस प्रकार से आज जो कि सिटी सर्वे ऑफिस के बाहर जो कि उपोषण पे बैठे थे मांगों को लेकर जो आरोप लगा थे, तो किस प्रकार से आश्वासन दिए गए और किस प्रकार से जो आश्वासन के बाद उपोषण समाप्त हुआ है? जो उनके मांगे थे हमारे ऑफिस के, तो उन वो सब चर्चा हुई हमारी, उस चर्चा के अंत उनको मान्य हो गए। जो हमारे तरफ से जब यानी प्रोसेस करने हैं हम वो करेंगे, जो हमारे ऊपर के अधिकारी के जो प्रोसेस में करने का है वो उधर हम भेजेंगे, और उनका ऑपरेशन समाप्त हो गया। सर जिस तरीके से कह रहे थे कि एजेंट्स ज़्यादा करके इसमें इन्वॉल्व रहते हैं शासकीय कार्यालयों में काम कराने के लिए, तो उनको किस तरीके का आश्वासन है और किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा अगर ऐसे मामले सामने आते हैं? तो आप ऑफिस में एजेंट के बारे में सब बोर्ड लगा देंगे, कोई शिकायत किया कि उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सर कितनी मांगे थे और कितनी पूरी की गई? जो हमारे मेरे अंडर है जो मांगे वो मैं पूरा उनको करता ऐसा बोला है, जो मेरे ऊपर के ऑफिस के है तो मैं उनके तरफ डिमांड करूंगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर 4 और 5 नंबर में पिछले कई दिनों से पानी कम आने की शिकायत हम तक पहुंची है। हमने भी इस खबर पर अच्छी तरीके से जांच पड़ताल की है। आइए आप सभी को बताते हैं क्या है ये पूरी रिपोर्ट। उल्लासनगर 4 और 5 में पिछले 4-5 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। पेयजल वितरण विभाग का कहना है कि सील फाटा से आ रही लाइन की दुरुस्ती के चलते पानी की आपूर्ति बराबर नहीं हो रही है। जल्द ही इसकी दुरुस्ती होने के बाद पानी जल्द ही आएगा। लोगों ने पानी न आने की शिकायत हमारे चैनल पर लिखित रूप से दी थी। उन्हें हम सूचित करना चाहते हैं कि शिकायतें संबंधित विभाग से करें, उसके बाद हमें जानकारी दें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।
उल्लास नदी बचाओ कृति समिति द्वारा पिछले कई समय से उल्लास नदी को साफ करने का प्रयास चालू है। हम भी आप सभी को आह्वान करते हैं कि आप भी इस समिति के साथ शामिल हो और उन्हें सहयोग करें। उल्लास नदी बचाओ कृति समिति के कार्यकर्ताओं ने रविंद्र लिंगायत तथा शशिकांत दायमा के नेतृत्व में नदी की साफ सफाई की। इस काम में नदी में जलपर्णी वनस्पति निकाली गई। इस तरह का कार्य हर रविवार को मोहने शहाड़ बांध पर किए जाने की जानकारी समिति सदस्यों ने दी है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। पहले भी इस तरह की घटनाएं हमारे देश में काफी ज्यादा घटी है। ना जाने हमारे देश के युवा कब इस तरह की लापरवाही नहीं करेंगे और अपने परिवार वालों के बारे में भी सोचेंगे। हाल ही में दीवा के एक तालाब में कुछ दोस्त गए थे तैरने, जिसमें से आर्यन चीपा नामक युवा की इस तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। आइए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। दीवा तालाब में डूबकर मरने वाले आर्यन चीपा का शव काफी प्रयत्न के बाद TDRF दल के जवानों ने निकाल लिया। इस दल में चेतन तरोले, किरण घोड़े, संदेश घोड़े, किशोर लांडगे वो अमूल दराड़े शामिल थे। बता दें कि रविवार की दोपहर आर्यन अपने चार मित्रों के साथ तालाब पर तैरने गया था, लेकिन तालाब में डूब जाने के कारण उसकी मौत हो गई। फायर ब्रिगेड ने लगातार 20 घंटे तक आर्यन की बॉडी तलाश की, तब जाकर वह मृत मिला। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार पश्चिम रेलवे के मुंबई डिवीजन से पूरी की पूरी ट्रेन वसई से लेके वडोदरा तक महिलाओं ने ही सचेत की है। इस ट्रेन की को ड्राइवर, ड्राइवर, गार्ड व सभी के सभी हेल्पर भी महिलाएं थे। हम सभी महिलाओं के लिए बड़े ही गर्व की बात है। मुंबई के वसई रोड स्टेशन से वडोदरा के बीच पहली बार सिर्फ महिलाओं ने चलाई एक मालगाड़ी। वेस्टर्न रेल रूट पर पहली बार एक पूरी मालगाड़ी का परिचालन सिर्फ महिलाओं द्वारा किया गया। मुंबई के वसई रोड स्टेशन से चली ट्रेन गुजरात के वडोदरा पहुंची। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर ने बताया, वसई रोड से वडोदरा तक जाने वाली मालगाड़ी को लोको पायलट कुमकुम सूरज डोंगरे, सहायक लोको पायलट उदिता वर्मा और गुड्स गार्ड आकांक्षा राय महिलाओं के द्वारा पूरी तरह से परिचालित किया गया। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आलोक बंसल ने इसे महिला सशक्तिकरण का एक शानदार उदाहरण बताया। उन्होंने कहा, यह वास्तव में अन्य महिलाओं के लिए अनुकरणीय आदर्श मॉडल है। गार्ड और लोको पायलटों के कामों की कठिन प्रकृति के कारण बहुत कम महिलाएं इन पदों पर नौकरी के लिए आगे आती है। यह उपलब्धि भारतीय रेलवे में चुनौतीपूर्ण नौकरियों के लिए अन्य महिलाओं को प्रेरित करने में एक अहम भूमिका निभाएगी। अब हमारे देश की महिलाएं चुनौतीपूर्ण नौकरियों को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। आबकारी विभाग ने लगभग 30 लाख रुपए की शराब जब्त की है, जो कि अवैध तरीके से दूसरे राज्य में भेजी जा रही थी। आइए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। ठाणे जिले में 30 लाख रुपए की शराब जब्त की गई। एक अधिकारी के मुताबिक राज्य के आबकारी विभाग के कोकन विभाग ने शुक्रवार को 30 लाख रुपए की शराब बरामद की, जिसे अवैध रूप से महाराष्ट्र से दूसरे राज्य में ले जाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि 30 लाख का यह स्टॉक केवल दादरा और नगर हवेली में बिक्री के लिए था और इसे अवैध रूप से महाराष्ट्र लाया गया था। कसारा हाईवे पर पुलिस ने एक संदिग्ध टेम्पो की तलाशी ली और 30 लाख रुपए की शराब जब्त की। अधिकारियों ने टेम्पो चालक राजेश कुमार पंडरीलाल यादव, जिसकी उम्र 35 वर्षीय है, को गिरफ्तार किया। शराब के स्रोत का पता लगाने की जांच जारी है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। महाराष्ट्र के गृह विभाग ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को बर्ड फ्लू से सचेत करने वाले आदेश जारी किए हैं। आइए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बर्ड फ्लू पर गृह विभाग सख्त। नोटिफाइड एरिया में अंडे व मुर्गे मुर्गियों की बिक्री रोके, पोल्ट्री फार्म भी बंद करे। महाराष्ट्र के गृह विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को बर्ड फ्लू को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि बर्ड फ्लू नोटिफाइड एरिया में अंडे व मुर्गे मुर्गियों की बिक्री को प्रतिबंधित किया जाए। यदि ऐसे एरिया में पोल्ट्री है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से खत्म करने की कार्रवाई करें।
इन एरिया के आसपास वाहनों के आवागमन नियंत्रण रखने पुलिस की मदद ले। राज्य सरकार ने कहा है कि केंद्र की गाइडलाइन का सख्ती से पालन भी सुनिश्चित किया जाए। गृह विभाग ने आदेश के साथ बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए जारी की 145 पेज की गाइडलाइन की प्रति भी कलेक्टरों को भेजी है। विभाग ने कहा है कि केंद्र की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाए। बर्ड फ्लू के कारण मृत पक्षियों को 2 मीटर के गड्ढे बनाकर दफनाया जाए। ध्यान रखे कि यह जगह आवास और पानी के स्रोत से दूर हो। व्यावसायिक पोल्ट्री फार्म को तेज पानी की धार और सेक्शन मशीन व केमिकल से साफ कराए जाने का इंतजाम किया जाए। जंगली और आवारा पक्षियों को पोल्ट्री शेड और पानी के संसाधन के आसपास प्रवेश रोकने की व्यवस्था की जाए। इस काम में पुलिस की मदद ली जाए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। कल्याण के बहुचर्चित पत्री पुल का काम अंतिम चरण पर है, यानी कि 90% काम हो चुका है। आइए इस बारे में लेते अधिक जानकारी सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे से। पत्री पुला आज पाहणी करत असताना शेवटच्या काही काम जी आहेत ती आता बाकी राहिलेली आहेत। आपण आज पत्री पुलावरतीच उभे आहोत। मेजर जे काम होतं कॉन्क्रीटचं स्लॅब टाकण्याचं ते पूर्ण झालेलं आहे, त्याचं क्युअरिंग पिरियड पूर्ण झालेलं आहे। आणि आपण पाहत असाल की आता अप्रोच स्लॅबचं काम चालू आहे। अप्रोच रोड ही दोन्हीकडून मला वाटतं 90%पेक्षा जास्त पूर्ण झालेले आहेत। आणि आता एका साईडचं क्रॅश बॅरियर पूर्ण झालेलं आहे, एका साईडचं क्रॅश बॅरियरचं कास्टिंग सुरू आहे। आणि ही सर्व कामं आता काही दिवसांमध्ये पूर्ण होतील आणि लोकांना हे पत्री पूल जो आहे तो रहदारीसाठी आम्ही सुरू करू। त्याचं मी अगोदरच उत्तर दिलेलं आहे। हे जे काम आहे टेक्निकल काम आहे, कोविडच्या काळामध्ये कशाप्रकारे कामं केली हे अगोदरच सगळ्यांना माहिती आहे। किती याच्यामध्ये डिफिकल्टी झाल्या, किती वेळा ह्याचा प्लॅन चेंज झाला, किती वेळा GAD चेंज झाला। आणि मला वाटतं आता काय राहिलेलं नाही आहे कोणाकडे बोलण्यासारखं। हा सगळ्यात मोठा स्लॅब जो आहे 700 मीटरचा स्लॅब, आणि पहिल्यांदाच रेल्वेवरती इतका मोठा स्लॅब हा रेल्वे आणि MSRTC हे दोन ऑर्गनायझेशन्स करतायत। आणि ज्या दिवशी आपण पत्री पूल लाँच करत होतो त्यावेळीही खूप अडचणी आल्या, पण त्याच्यावरही सगळ्यांनी मात केलं आणि आज आपल्याला हा एवढा भव्य दिव्य पत्री पूल हा पाहायला मिळतोय। आणि काही दिवसांमध्येच हा पत्री पूल हा सुरू करू। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। एक लड़की की बहादुरी के कारण लुटेरों के पसीने छूट गए। हाल ही में डोंबिवली के गुप्तेश्वर नगर में एक दिव्यांग के घर लुटेरों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस मौके पर अशोक बोरी की बेटी प्रतीक्षा बोरी ने इस लुटेरों के साथ हाथापाई भी की। पकड़े जाने के डर के कारण ये सभी के सभी लुटेरे भाग गए, लेकिन इसमें से एक लुटेरे का सेलफोन इस घटना स्थल पर गिर गया, जिसके कारण कुछ ही घंटों में ये सभी के सभी लुटेरे जल्द से जल्द पकड़े गए। आइए इस बारे में लेते अधिक जानकारी अशोक बोरी, प्रतीक्षा बोरी व साथ ही साथ ACP JD मोरे से। दिनांक 5/1/20 रोजी विष्णुनगर पोलिसांच्या हद्दीत एक वयस्कर इसम जे घरी असताना त्यांची पत्नी आणि मुलगी बाहेर गेली असताना या सदर या गुन्ह्यातील 2 आरोपी आणि 1 महिला आरोपी असे चाकूसह आत घुसून त्यांना हातापायाला बांधून तोंडावर पट्टी बांधून चाकूचा धाक दाखवून त्यांच्याकडून 1 मोबाईल व 2,500 रुपये काढून घेतले। दरम्यानच्या काळात त्यांची मुलगी तिथे आली आणि तिने आरडाओरडा केला असता तिलाही दम दिला चाकूचा धाक दाखवून आणि ते पळून गेले। सदर गुन्ह्याचा तपास विष्णुनगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल झाल्याला तात्काळ सुरू केला आणि सदर गुन्ह्यात 3 आरोपी अद्यापर्यंत अटक केलेले आहेत, महिला आरोपी अटक करणं बाकी आहे। सर, त्या दिवशी संध्याकाळी कसं झालं की आम्ही आता तिघे जे असतो घरात, ती पण वर्क फ्रॉम होम आहे, माझी मुलगी पण प्रतीक्षा पण, आणि मी रिटायर झालेलो आहे। तर संध्याकाळी हे नॉर्मली दोघांपैकी एक कोणीतरी खाली मार्केटिंगला काय भाजी वगैरे आणायला जाते, तर त्या दिवशी असं घडलं की मी घरात होतो आणि त्याच्या बायकोबरोबर मीनाबरोबर माझी मुलगी आहे प्रतीक्षा, दोघेही खाली उतरले आणि मी घरात एकटाच होतो। आणि माझी मुली म्हणाली की मी 5 मिनिटात येते, म्हणून त्यांनी दरवाजा काही लावला नाही आणि माझ्या पण पायाला पोलिओ आहेत। त्यांनी असा विचार केला की बाबाला उठून दार उघडावं लागेल, म्हणून त्यांनी काय दार लावला नाही। आणि बरेच वेळा आम्ही असं करतो आहे, मी आतमध्ये कपडे गडी करत असताना ते अचानक कोणीतरी 3 इसम आतमध्ये आले, त्यात 2 हे होते व्यक्ती होती, ती पुरुष आणि 1 महिला होती। त्यांनी डायरेक्ट माझ्या तोंड दाबला, गळ्यावर माझ्या त्यांनी चाकू ठेवलं आणि मला सांगितलं आवाज करणार नाही, निंदो गुस्सा दे का। मी एक अंदाज घेतला की ऑलरेडी ते खूप माझे जवळ आलेले होते, म्हणून त्यांना सांगितलं कुछ नाही करेगा, तुमको क्या चाहिए वो लेके जाओ, मैं नहीं चिलाएगा।
मग त्या मुलीने माझ्या तोंडावर पट्टी लावली आणि मग माझे हात बांधले आणि त्या एक 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 जी व्यक्ती होती त्यांनी माझे पाय बांधले. मी त्यांना हे इशारा करून सांगितलं सुद्धा की अरे या पायात बांधण्यासारखं काय आहे, तर तरी त्यांनी मला दम दिलं गुसा देगा वगैरे. मग मी गप्प बसलो. गप्प बसल्यावर त्यांनी माझे दार लावून घेतलं आतमध्ये आणि ते मला असं वाटतंय की ते माझ्या मुलीचं किंवा माझ्या बायकोचे बाहेर ते वाट बघत होते की अजून जर घरात सगळे जर आले तर आपल्याला सोपं पडेल. माझी मुलगी जेव्हा आतमध्ये आली प्रतीक्षा तेव्हा त्यांनी अंधार बघितल्यावर त्यांनी पहिलं बाहेरच्या रूमची लाईट लावायचा प्रयत्न केला. जसं त्यांनी स्विचला हात लावलं कोणीतरी त्यांच्यापैकी त्याला आतमध्ये ओढलं जोरात आणि कोणीतरी त्याच्या अंगावर बसला. हे झाल्यावर तिला लगेच कळलं की काहीतरी प्रॉब्लेम आहेत आणि त्यांनी आडवडं करायला सुरुवात केली आणि प्रतिकार करायला सुरुवात केली. या सगळ्या गोष्टीत असं झालं की त्यांना त्याचे हात तरी बांधता आले नाही पण तोंडावर त्यांनी खूप जोरात दाब दिला म्हणून आजही त्याच्या तोंड वगैरे सुजलेलं आहे आणि त्याच्या पायाला त्यांच्या चाकू वगैरे लागलं कारण जो चाकू त्यांनी मला दाखवला माझ्या गळ्यावर ठेवलं होतं ते कदाचित ते तिला लागलं असेल. या सगळ्या भानगडीत एक फक्त झालं की आरडाओरडामुळे ते समोरचे लोक लगेच ते सगळ्यांनी दार उघडलं आणि ते सगळे गोळा झाले. या गडबडीत त्यांच्या एक मोबाईल राहिलं, माझ्या मोबाईल ते घेऊन गेले पण त्यांच्या एक मोबाईल पडलं आणि ते मी पोलिसांना सुपूर्द केलेलं आहे. सामानला एक थोडे पैसे बाहेर होते तेवढे 2500 गेले आणि माझ्या मोबाईल गेलं. बाकी कदाचित ते वाट बघत असतील की तिघेही जर घरात आले तर मग कोणीच घरात येणार नाही. आता लॉकडाऊनमध्ये अंधार झालेलं होतं, रात्र झालेली होती आणि मग सावकाश त्यांना वेळ मिळालं असतं पण त्यांचं ते काय जे होतं ते पार काय पडलं नाही आणि सगळे हे झालं. मी खालीतून घरी आली आणि मी बघितलं की हॉलची लाईट बंद आहे आणि बेडरूमचा दरवाजा बंद आहे. ते नॉर्मली बाबा असं करत नाही. तर मी आतमध्ये आली आणि मी जेव्हा स्विचवर स्विच लाईट चालू करायला गेली तेव्हा एक जणनी माझं तोंड दाबलं आणि मला खाली पाडले. ते माझा गळा आणि तोंड दाबायचे प्रयत्न करत होते पण मी खूप आडावलं केलं. त्यामुळे आमच्या आजूबाजूवर आजूबाजूचे लोक आले घरी. ते भानगडी ते पळून गेले पण ते त्यांचा चाकू माझ्या पायावर लागलं. माझं तोंड त्यांनी खूप जोरात दाबलं. माझं तोंड आजपट दुखत आहे आणि माझे कमरेवर खूप जोरात ते मला माझ्या वरच बसले होते. माझं कमर आजपर्यंत दुखत आहे. नंतर ते आजूबाजूच्या लोकांना पण त्यांनी चाकू दाखवलं आणि ते खाली पडून गेले. कोणार्क अपना शहर अपनी बात. केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई ईंधन दरों यानी कि एलपीजी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इस बात पर विरोध किया है और साथ ही साथ राज्य भर में आंदोलन भी किया है. आइए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर. सहा सात वर्षापासून जे मोदी सरकार केंद्रामध्ये स्थापन झालेलं आहे तिथपासून प्रत्येक गोष्टीचा भाववाढ होत आहे. त्याच्यामध्ये सामान्यतः आपण बघतोय पेट्रोल डिझेलचे दरवाढ हे प्रत्येक वेळेला गगनाला भिडलेले आहेत आणि त्यामुळे सर्वच गोष्टींवर ताण पडलेला आहे. प्रत्येक गोष्ट गॅस असेल पेट्रोल असेल आणि त्यामुळे सर्वच जीवनावश्यक वस्तू महाग झालेल्या आहेत. आम्ही मागच्या एक वर्षापूर्वीसुद्धा पेट्रोल डिझेल दरवाढच्या विरोधात आम्ही आंदोलन केलं होतं तरीसुद्धा आणि त्यानंतर पूर्ण महाराष्ट्रातून मोदी सरकारला निवेदनं गेली होती. परंतु या गेंड्याच्या कातडीचं सरकार यांना कुठल्याही प्रकारचा काही देणं घेणं पडलेलं नाही. परंतु जोपर्यंत ही दरवाढ कमी होत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन करत राहू. लोकशाहीच्या मार्गाने आम्ही आंदोलन करत राहू. आपण पाहतो हे निर्दयी सरकार आज महिनाभरापासून आपल्या देशातील शेतकरी दिल्लीच्या बॉर्डरवर महिनाभरापासून तिथे तग धरून बसले आहेत. परंतु या मोदी सरकारला किंवा देशाच्या पंतप्रधानांना त्यांच्याशी चर्चा करण्याची साधी त्यांना वेळ देता येत नाही. अशा प्रकारचं हे गेंड्याचं कातडीचं सरकार हे EVM बंद पाडून जर निवडणुका घेतल्या तर यांना जनता आता दाखवून देईल. सर्वसामान्य जनतेला गेल्या 6-7 वर्षापासून मग ते नोटबंदी असेल GST असेल आणि आता देशावर आलेली महामारी असेल याच्यामुळे सर्वसामान्य लोक हे होरबळून म्हणजे आर्थिक दबगाईला आलेले आहेत आणि अशा वेळी सर्वसामान्य जीवनावश्यक वस्तू हे महाग झालेले आहेत. दरडोई उत्पन्न कमी परंतु वस्तूंचा जो महाग झालेला आहे या महाग वस्तूमुळे आज बेकारी आणि मला वाटतं भूकमारी वाढलेली आहे आणि त्यामुळे जर आपण रस्त्यावर उतरून आपण असाल सर्वसामान्य जनता या मोदी सरकारच्या विरोधात प्रत्येक घराघरातून आंदोलन केलं नाही
नंतर येणारी परिस्थिती ही अत्यंत बिकट असेल म्हणून महाराष्ट्राचे आमचे प्रदेशाध्यक्ष माननीय महबूबजी शेख यांनी आज संपूर्ण महाराष्ट्रभर तेल इंधन दरवाढीच्या विरोधात आंदोलनं केलेले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून आम्ही कल्याणच्या जिल्ह्यावतीने आम्ही इंधन दरवाढीच्या विरोधात आंदोलन करत आहोत. हा आवाज मोदींपर्यंत गेला पाहिजे. सर्वसामान्य जनतेचा आवाज आहे हा आवाज मोदींपर्यंत जाऊन आता तरी त्या मोदींच्या दिलमध्ये पिघळलं पाहिजे. आणि हे एवढा इंधनाचा वरती भार हा इंधन दरवाढीतून येणारा पैसा हा मोदी आपल्या सुटाबुटामध्ये वापरतो का ऐश आरामामध्ये वापरतो. देशाला गरज नसताना स्वतःसाठी करोडो रुपये अरबो रुपयाचा प्रायव्हेट जेट आणि जे 50 वर्ष बोलतात परंतु या 5 वर्षामध्ये देशाच्या जी सरकारी मालमत्ता आहे हे विकण्याचा सपाटा या मोदी सरकारने घेतलेला आहे. स्वतःच्या पक्षाचा हायजेक प्रचार करण्यासाठी हा पैसा वापरला जातो का ही शंका आज सर्वसामान्य जनतेच्या मनामध्ये आहे. म्हणून या सरकारचा आम्ही निषेध करतो. करने का ये विषय है कि पूरे देश भर में ये मोदी सरकार ने जो अत्याचार करके रखा है, जब से सरकार में बैठी है तो तेल के भाव, डीजल के भाव, पेट्रोल के भाव ये कम होने की जगह पे जब वो सरकार में नहीं थे तो हमेशा खिलाफ बोलते थे, और आज वो सरकार में है तो वो क्या कर रहे हैं, जनता का खून नोचने का काम कर रहे हैं, लोगों को निचोड़ने का काम कर रहे हैं. इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस के युवक अध्यक्ष नरेश सालवे, टीम ओमी कालानी के युवक अध्यक्ष यूथ की तरफ से, सुंदर मुदलियार की तरफ से और सारी टीम की तरफ से हम लोग ने आंदोलन किया है और सरकार को जगाने की कोशिश की है कि जल्द से जल्द अगर ये दाम कम नहीं हुए, सिलेंडर की भी सब्सिडी हटा चुके, मतलब ये चाहती क्या है सरकार हमें नहीं समझ में आ रहा. इसलिए जनता अपने आक्रोश में है और इनको उनकी जगह जरूर दिखाएगी. केंद्राच्या स्वतःच्या हातात काहीच नाही आहे हे वेळोवेळी जनतेच्या लक्षात आलेलं आहे. आज या ठिकाणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस व पीओकेचे युवक पदाधिकारी या सर्वांनी मिळून एकत्रित आंदोलन तर केलेलं आहे. महागाई व इंधनवाढी दरवाढीच्या विरोधात हे आंदोलन आज येत होतं. संबंध केंद्राच्या हातात कसले दर नियंत्रण आणण्याची क्षमता नाही हे केंद्र सरकारने नेहमी दाखवलेलं आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्याची परिस्थिती अतिशय गंभीर झालेली आहे. महिलेचं किचनचा जो भार असतो, महिलेचा किचनचा भारामध्ये पण दरवाढ झालेली आहे. गॅसची दरवाढ झालेली आहे, डिझेल पेट्रोलची दरवाढ झालेली आहे. आणि या महागाईमध्ये एकीकडे शेतकरी आंदोलन हरपळतो, एकीकडे जनता, सामान्य जनता दरवाढीमुळे आंदोलन आणि महागाईमुळे हरपळून गेलेली आहे. तरी ह्या केंद्र सरकारला आमची एकच मागणी आहे, सत्ता जमेत नसेल तर खुर्च्या खाली करा आणि याशिवाय तुम्हाला सत्तेत बसण्याचा अधिकार नाही. कोणार्क अपना शहर अपनी बात. कुछ दिनों पहले उल्लासनगर महानगर पालिका के जनसंपर्क अधिकारी युवराज बदाने के खिलाफ वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मालवनकर के साथ कुछ और लोगों ने भूख हड़ताल की, जिसकी खबर हमने आप तक पहुंचाई थी. आइए इसे विषय पर अब सुनते हैं क्या है कहना युवराज बदाने का. डॉक्टर बदाने साहब, कुछ दिनों से पत्रकार दिलीप मालवनकर जी और उनके कई सारे साथी आपके खिलाफ उपोषण के लिए बैठे है, क्या है ये पूरा मामला और क्या कहेंगे इस विषय पर आप? देखिए, आपके ये कोणार्क चैनल के माध्यम द्वारा मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सन्माननीय गृहस्थ है दिलीप जी मालवनकर, ये ऐसे काफ़ी मेरे खिलाफ काफ़ी सालों से शिकायतें करते आ रहे, अनशन पे बैठते आ रहे, इनके साथ कुछ कथित पत्रकार है, किसका साप्ताहिक की या किसकी मासिक या किसी का दैनिक का कोई रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, या किसी के कोई यहाँ पे का हमारे कार्यालय में कुछ नोंदनी नहीं है, ऐसे लोग बैठे हैं. ये सब कहा ना कहा मेरे प्रति, मेरे से, इनकी तरफ से कोई, मेरे से कोई इनको फ़ायदा नहीं है या लाभ नहीं है, उस तौर पर ये नाराज़ होकर इन लोगों ने मेरे खिलाफ़ एक कुछ एक कुटिल षड्यंत्र रचा गया है और उसमें उसके पीछे कुछ शहर के पदाधिकारी, कुछ हमारे यहाँ पे जिसके जिन जिन अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ मैंने कड़ी कार्रवाई की है, ऐसे लोग
और महापालिका के असंतुष्ट कर्मचारी भी इसके पीछे है। सबसे पहले दिलीप जी मालवनकर के जो जो मेरे ऊपर आरोप है, सब आरोप बेबुनियाद है, झूठे हैं और ये कथित आरोप है। उसमें उन्होंने मेरे अपॉइंटमेंट से लेकर, फिर मेरे जन्म तारीख से लेकर, फिर मैंने ये घोटाला किया, फिर मेरी माननीय उच्च न्यायालय ने ये SSC याचिका दाखिल है। तो इसको ये महाशय को इतना मालूम है कि मेरी माननीय उच्च न्यायालय में सेवा विषयक बाब प्रलंबित है, न्याय प्रविष्ट है। न्याय प्रविष्ट होने की वजह से वहाँ पे भाष्य करना वो माननीय न्यायालय का अवमान है, तो भी ये अवमान माननीय न्यायालय जी का अवमान पे अवमान करते जा रहा है। मेरे जन्म तारीख के बारे में मैंने बताया है कि मेरी माता पिता अशिक्षित थे, उन्होंने एक मेरा भाई एक्सपायर हो गया था तो गलत 1970 जन्म तारीख लगी थी, तो मेरे उसके बाद मेरा 1.5-2 साल में जन्म हुआ है, तो मेरे 1972 जन्म में मेरे जन्म स्थल से वहाँ से रिकॉर्ड लेके पंचायत समिति ग्राम पंचायत वहाँ से वो 1990 में मेरा सरनेम था युवराज भदानी पाटिल, मैं पहले से 12वीं तक वही सरनेम से पढ़ा है और मेरे सरनेम और मेरी जन्म तारीख मैंने 1990 से बदली की है और वो कभी भी जन्म तारीख बाद में बदली हो जाती है, ये महोदय को पता होना चाहिए था, एक बात। दूसरी बात है मेरे PhD डिग्री के बारे में बोलता है, मेरी PhD डिग्री ऑनर्स डिग्री है और ऑनर्स डिग्री के होने की वजह से मुझे डॉक्टर लगाने से कोई रोक नहीं सकता है और वो डॉक्टर में कानून लगा सकता हूँ, और उसके बारे में मैं उस पीरियड के आयुक्त मोदी जी ने अधिकृत रीति आदेश निकाला है, तभी से मैं अपने नाम के पीछे मैं और अन्य विभाग से जो भी कुछ करस्पॉन्डेंस होता है तो उसमें डॉक्टर लिखा जाता है, एक बात। तीसरी बात, उन्होंने मेरे लिए जो भ्रष्टाचार का आरोप किया है तो मैं जो भी है कानूनन रेगुलेशंस के तहत इम्प्लीमेंटेशन किया है, पूरे शहर में कैपिटल वैल्यू की अमलबजावनी होनी चाहिए ऐसा 2 बार रेजुलेशन हुआ है, माननीय महासभा ने किया है, उसके तहत पूरे सभी प्रॉपर्टियों को उस तहत इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, ऐसी आयुक्त महोदय जी की मान्यता से वो टिप्पणी अप्रूव की थी, लेकिन मेरे से चार्ज जाने के बाद मेरे पीछे बैकडेटेड ऐसा कोई कुछ लोगों ने उसमें कारनामा किया, उसकी खुद मैंने शिकायत की है, एक छोड़ के 3 बार मैंने कंप्लेंट की है और उसमें बाकायदा मैंने स्पष्ट मांग की है कि इसकी SCB एंटी करप्शन CID और CBI की इंक्वायरी करो, उसमें कोई मुझे ये नहीं है और मेरी वो खुद की मांग है, एक बात। तीसरी बात, ये जो महाशय हमेशा मुझे बोलता है कि इन्होंने कथित एक शब्द प्रयोग जो करता है अनसंसदीय लैंग्वेज ये खुद करता है और दूसरे के ऊपर इंजाम लगाता है, ये कोई खुद राजा मतलब अपने आप को पितामह भीष्म समझता है या कोई ये राजा हरिचंद्र की वंश नहीं है कि ये इन्होंने मेरे साथ खुद मेरे से ब्लैकमेलिंग का एक मुझे खुद को ब्लैकमेलिंग समझता है, भदानी ब्लैकमेलर है, इन्होंने आयुक्त को ब्लैकमेलिंग किया होगा, इसको ब्लैकमेलिंग किया, लेकिन ये खुद ब्लैकमेलिंग करके मुझे एक दिवंगत नगर सेवक के घर पे मेरे से खुद के आर्थिक हित साधने के लिए बुलाया गया था उधर, और वहाँ पे काफ़ी सारे अनप शनप बातें बोल रहा था, बहुत बड़ी डिमांड रखी थी, मैंने इसको उसी समय ये किया कि रिजेक्ट कर दिया इसकी डिमांड, तब से इसको ज़्यादा मेरे प्रति गुस्सा है। और ये भले अन्य किसी पत्रकार पेपर्स में पहले लिखता होगा, खुद का पेपर था, साप्ताहिक था या जो भी था, लेकिन अभी इनका हमारे पास कोई एक पत्रकार करके ये पेपर में लिखता है, कोई पेपर ने इनकी नियुक्ति की है, ऐसा कोई हमारे पास नोंदनी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, एक बात हुई। और ये मेरे प्रति बोलता है इसके ऊपर ये गुनाह FIR करना चाहिए, वो करना चाहिए, इनके ऊपर खुद मैंने डिफेमेशन एक्ट के तहत और क्राइम साइबर क्राइम एक्ट के तहत इनके ऊपर मैंने 3 गुना दर्ज किए और इनको इन्होंने एक पोस्ट वायरल की थी व्हाट्सएप पे, उस पोस्ट के लिए माननीय आयुक्त महोदय ने उसका ज़्यादा खबरदारी ली और उनके ऊपर इनको नोटिस निकाला, इनके 2-3 एडमिट्स को नोटिस निकाला है, तब से ज़्यादा ये आदमी बौखला गया है और तब से ये किसी न किसी हमारे असंतुष्ट आत्मा को सहयोग लेके ये मेरे प्रति अनशन पे बैठा है। और ये इनका ये काम ही है, ये इनका क्या अभी बिजनेस है, बीच में इनके महिला मंडल का इन्होंने शिक्षण विभाग से कोई शिशुओं को पोषण हार खिलाने का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उसमें भी उनमें से कोई चूहा का विष्ठा और कुछ ऐसे चीज़ें निकली थी, उनमें से वो
अनाज लेबोरेटरी में भेजा गया था अधिकृत, और लेबोरेटरी ने उसको खाने लायक नहीं करके ऐसा ये अनाज, ऐसा उनका अहवाल यानी रिपोर्ट आया था। तो ये आदमी कितने पानी में है अपने खुद के गिरेबान में झांक के देखे, इनके जब भी सभी आरोप षड्यंत्र और ये जो मेरे प्रति जो ये सब कंप्लेंट्स करता है, एक जो बोलते ना सुखा हुआ कद्दू जो रहता है मराठी में बोलता भोपड़ा, सुखलेला भोपड़ा सरका इनका जो ये है पूरा षड्यंत्र है, और इनको यदि इतना लगता है ना ये सब मेरे डॉक्यूमेंट्स लेवे और खुद कोर्ट में जावे, ये दूसरे के कंधे पे बंदूक रखता है और दूसरे के इसमें से अपने खुद के निजी हित के लिए स्वार्थ के लिए ये आदमी सब करता है। यदि मेरी गलती होगी तो प्रशासन ज़रूर मेरे ऊपर कार्यवाही करेगा, और जो भी बात मेरी सभी बातें न्याय प्रविष्ट है। और प्रमोशन के लिए मेरे लिए बोलता है कि ये बार बार प्रमोशन मांगता है, प्रमोशन मांगना कोई भी कर्मचारी का MCSR महाराष्ट्र सिविल सर्विस रूल्स के तहत हर कर्मी का प्रमोशन के लिए मांग करना उसका नैतिक हक होता है, तो इसको भी इतना पता नहीं है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को मैं आज तक चुप बैठा था, लेकिन ये इनकी हिम्मत बार बार बढ़ते जा रही है, और ये लोगों को जब भी बैठता है कुछ भी हुआ मेरे प्रति तो लोगों को फ़ोन करके इसको इतनी यदि खुद की प्रियता और इसकी पब्लिसिटी है तो खुद बैठे लोगों को फ़ोन ना करे, फ़ोन करके बुलाते हैं जो भी इधर अंदर आता है नेता अगन या कोई व्यक्ति, उनके बुला कर उसको साइन करने के लिए बोलता है, फ़ोटो निकाल के पब्लिश करता है, वायरल करता है, मतलब ये TRP लेने की कोशिश करता है और लोगों को दिखा रहा है कि मेरे साथ कितने लोग हैं। जो है सच्चाई सामने आ जाएगी, और सच्चाई के साथ यदि मैं गुनहगार हूँ या मैं झूठा हूँ तो मेरे ऊपर ज़रूर कार्रवाई होगी, एक्शन होगी। लेकिन ये कितना राजा हरिचंद्र के वंशज है ये सबको पता है, अरे काय के लिए करता है, इसका इंटेंशन क्या होता है ये सबको पता है, ये पूरे शहर को मालूम है, या अपने आप को श्रेष्ठ ज्येष्ठ वरिष्ठ कहता है, मगर ये हर जगह अपने अपने अलग अलग डेपुटेशन या अपने अलग अलग निजी फायदे के लिए पोस्ट डिक्लेयर करता है। कभी कोई राजकीय पक्ष के लिए बोलता है मैं ज्येष्ठ कार्यकर्ता हूँ, कहा बोलता है मैं ज्येष्ठ पत्रकार हूँ, कहा बोलता है कि मैं ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो ये ऐसे उनकी अलग अलग तरीके के जो ग्रेड रहता है ना, ग्रेड के जैसे उसकी रंग बदलने का, तो वैसे अपना ये पदनाम भी बदलता है, काम व्यवसाय का जो एक व्यवसाय करने का जो एक स्टाइल है वो भी बदली करते रहता है, ऐसा ये व्यक्ति है। तो इसको मैं अपने दिल पे नहीं लेता हूँ, इनको जो लड़ना है तो कानून से मेरे साथ माननीय उच्च न्यायालय में लड़े या जिधर लड़ना है लड़ सकते हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो बस आज के लिए इतना ही, नए खबरों के लिए देखते रहिए कोणार्क न्यूज़। धन्यवाद।